आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुई घटना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए हर राजकीय पार्टी सड़क पर उतर चुकी है। वहीं आज अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिर से हाथरस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और उनके द्वारा नारे भी लगाए गए, जिसके बाद प्रदर्शन को तेज होता देख पुलिस ने सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। यूपी के हाथरस में जो घटना जो पीड़िता के साथ जो चार नाराज लोगों ने जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, उस घटना को लेकर ना कि बल्कि सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज अहमदाबाद में कलेक्टर ऑफिस को यहाँ पे कांग्रेस के कुछ धारा सभ्यों ने और कुछ नेताओं ने मिलकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस यहाँ सुबह से ही मौजूद थी और पुलिस ने सभी नेताओं को अटेंड करके पुलिस स्टेशन ले गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पुलिस का काफ़ी जमाना था, हालांकि कम हो चुका है, लेकिन सुबह से भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पे तैनात था, जिसके मद्देनज़र जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन सभी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। और कांग्रेस ये मांग है कि तत्काल रूप से कार्यवाही हो और इस घटना में जिस तरीके से घटना के बाद रात को पीड़िता के शव को जलाया गया, जिस तरह से हाथरस के प्रशासन ने काम किया, वहाँ के डीएम और एसडीएम बड़े बड़े अधिकारी यूपी प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अब आगे देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर इस तरीके से आवाज उठा दी, इस तरीके से कांग्रेस अपने